दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अड्डा फॉर ज्ञान एनसीईआरटी चैनल के अंदर। अगर आप भी हमारी तरह ये विश्वास रखते हैं कि हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा फ्री में मिलनी चाहिए और उस लैंग्वेज में मिलनी चाहिए जिसमें वो चाहे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे कोई भी चैप्टर को ढूंढना काफ़ी आसान है हमारे चैनल पर। आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जाके अड्डा फॉर ज्ञान लिखना है, फिर एनसीईआरटी की क्लास सिक्स की साइंस प्लेलिस्ट में जाना है अगर आपको साइंस का कोई भी चैप्टर ढूंढना है। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है सिक्स चैप्टर एनसीईआरटी का, और उसका नाम है चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो बदलाव होते रहते हैं उनको हम थोड़ा और जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। इस चैप्टर को इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले पार्ट में ये बताते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस, यानी कितने प्रकार के हमारे आसपास बदलाव होते रहते हैं। उसके बाद फिर ये हमें थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि फिज़िकल और केमिकल जो कि कुछ प्रकार के चेंजेस हैं उनमें क्या फ़र्क है, और उसके बाद फिर इन्होंने हमें थोड़ा डिटेल में और समझाया एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो दोस्तों हमारे आसपास कई सारे बदलाव हर रोज़ होते रहते हैं। आपने देखा होगा जो आसमान का रंग है वो सुबह और रात में जो अलग अलग रंग होता है उसका, वो भी एक तरीके का बदलाव ही है। आपने देखा होगा पेड़, छोटा सा पौधा कैसे बड़ा पेड़ बन जाता है, वो भी एक बदलाव ही है। और आपने देखा होगा चांद को, कब एक दिन पूर्णिमा के दिन वो पूरा दिखता है और अमावस के दिन चांद नहीं दिखता है, और उसके बाद फिर ये साइकिल रिपीट होती है। तो ये भी एक तरीके का बदलाव ही है जो है, जो हम रोज़ देखते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा कि बदलाव जो है वो संसार का नियम है, ये हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बदलाव होते रहते हैं, और इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन बदलावों को थोड़ा और इनका ध्यान से अध्ययन करें और हम फिर इनको कुछ क्लासिफिकेशन करें और समझें इनके बारे में कुछ और। तो टाइप्स ऑफ चेंजेस यानी कितने प्रकार के चेंजेस हमें बता रहे हैं ये आइए देखते हैं। दोस्तों चार प्रकार के चेंजेस इन्होंने इस चैप्टर में हमें बताया है, रिवर्सिबल चेंज, इररिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इन चारों के बारे में अब हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, आइए। रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल यानी कि दोस्तों आपको नाम से भी पता लग रहा है, ये वो चेंज होता है जिसमें इनिशियल सब्सटेंस जो है आपका, या इनिशियल जो चीज़ है जिससे आप शुरुआत कर रहे हैं उसको आप वापस पा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल दोस्तों आपने देखा होगा बलून या फिर गुब्बारा जो होता है उसको आप जब उसके अंदर हवा भरते हैं, तो आप अगर हवा उसको वापस निकाल देते हैं तो गुब्बारा जो है अपनी पुराने वाली शेप के अंदर वापस आ जाता है। तो इसका मतलब ये हवा भरना और जो निकालना है ये रिवर्सिबल चेंज है गुब्बारे से। दूसरा तरीके का जो चेंज हमने देखा वो है इररिवर्सिबल चेंज, जिसमें कि इनिशियल सब्सटेंस जो है वो वापस हमें नहीं मिल सकता अगर आप एक्शन को रिवर्स कर देंगे। तो दोस्तों अगर अंडे से हमने ऑमलेट बना लिया है तो फिर उसके बाद वापस आप उस ऑमलेट का अंडा नहीं बना सकते हो, तो ये जो है इररिवर्सिबल चेंज है। उसी तरीके से गेहूं से अगर रोटी बन जा मतलब आटे से अगर रोटी बन जाती है तो फिर आप रोटी से आप वापस उसको गेहूं में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, गेहूं नहीं पा सकते हो वापस उसे, तो वो भी इररिवर्सिबल चेंज हो जाता है। तो जो चेंज में हम इनिशियल सब्सटेंस को वापस नहीं पा सकते हैं उसको हम इररिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। फिर फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है? फिज़िकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर जो चेंज है, जो सब्सटेंस के अंदर जिसमें चेंज हुआ है उसकी केमिकल आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस उसके फिज़िकल फॉर्म में चेंज हुआ है। इसका मतलब है कि केमिकल आइडेंटिटी मतलब जिस चीज़ से वो सब्सटेंस बना हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, बस जिस तरीके से वो दिखता है वो बदल गया है। तो जैसे आपने देखा होगा बर्फ़ आप जब बाहर निकाल के उसको थोड़ी देर रखते हैं फ्रिज में से, बर्फ़ पिघल जाती है। वो रहती पहले भी उस टाइम पे भी पानी से ही बनी होती है बर्फ़, और जब पानी बन जाता है तब भी पानी है, दोनों का फिजिकल केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, दोनों H2O ही है। पर लेकिन जब आपने बर्फ़ को बाहर रखा और वो पूरी की पूरी तरीके से पिघल गई तो उसका फिज़िकल फॉर्म जिस तरीके से वो दिखती है वो बदल गई, तो ये एक फिज़िकल चेंज है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों ज़्यादातर फिज़िकल चेंजेस के अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, और ये चेंजेस ज़्यादातर रिवर्स करे जा सकते हैं। मतलब आपने बर्फ़ को पानी, बर्फ़ से पानी बन गया अगर वो, तो आप पानी से वापस बर्फ़ बना सकते हैं, तो ये रिवर्स करे जा सकते हैं ज़्यादातर फिज़िकल चेंजेस, सारे नहीं।
और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे आप मान लीजिए कि एक फिजिकल चेंज हो गया कि हाइट बढ़ना या फिर किसी पौधे का वापस ऊपर पौधे का बढ़ना, तो उसको आप वापस छोटा नहीं कर सकते, तो वो एक इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। उसके अंदर आपको वापस जो है केमिकल आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आप फिजिकल फॉर्म भी उसका वापस नहीं ला सकते हो। उसके बाद अगला जो है केमिकल चेंज, जब किसी सब्सटेंस की केमिकल आइडेंटिटी मतलब जिन चीज़ों से वो बना है अगर उसमें बदलाव हो जाता है किसी भी चेंज के अंदर, तो उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। ये चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब ये वापस नहीं करे जा सकते। जैसे कि अगर आप माचिस की तीली जो है अगर आप उसको जला देंगे, तो आप उससे वापस माचिस की तीली नहीं बना सकते, वो फिर नहीं जलेगी क्योंकि वो केमिकल चेंज हो गया है, इसमें आप वापस नहीं पा सकते हो। तो इसलिए ये केमिकल चेंजेस के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही जैसे कि आप चावल पका लेते हैं तो फिर वापस चावल नहीं बन सकता उससे, तो वो भी एक प्रकार का केमिकल चेंज हो गया। अब थोड़ा इनकी डिटेल में देख लेते हैं कि फिज़िकल और केमिकल चेंजेस में फ़र्क क्या क्या होता है। तो ये हमने पहले भी देखा कि फिज़िकल चेंज वो होता है जिसके अंदर केमिकल में कोई केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, और केमिकल चेंज के अंदर केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज होता है। अगला जो है, ज़्यादातर फिज़िकल चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंजेस जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं। अगला डिफरेंस जो है कि फिज़िकल चेंज के अंदर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, आपके जो प्रोडक्ट जो है वो फिज़िकल चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट सेम का सेम ही रहता है। केमिकल चेंज के अंदर ज़्यादातर हमेशा नया प्रोडक्ट बन जाता है वो चेंज होने के बाद। और आखिरी जो डिफरेंस है वो ये है कि मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन जो होता है सब्सटेंस का, उसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं होता है फिज़िकल चेंज के अंदर, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन और जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, जो बॉन्ड्स बने होते हैं उसके अंदर, वो पूरी की पूरी तरह बदल जाते हैं, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है उसके ऊपर। उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि कौन से और तरीके हैं जिसके थ्रू हम चेंज ला सकते हैं। मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस टुगेदर, दोस्तों आपने देखा होगा घर पे जब आपके दही जमाया जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा जावन या फिर थोड़ा सा दही हम डाल देते हैं दूध के अंदर ताकि दही जम जाए। तो हमने इसमें क्या करा, दूध और दही का थोड़ा सा दही मिलाया, उसके बाद हमने दही पा लिया उससे, तो फिर ये हमने दो सब्सटेंसेस को मिक्स करके एक चेंज लाया है दूध के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप पानी के अंदर नमक डाल देते हैं तो फिर वो जो पानी जो है वो नमकीन पानी हो जाता है और वो रिवर्सिबल होता है, लेकिन आपको पता है कि आप पानी और नमक को अलग-अलग कर सकते हैं, लेकिन दही आपने बना दिया तो वो इरिवर्सिबल है वो चेंज। एक और तरीका है दोस्तों चेंज लाने का, वो है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण ये है, जब आप एक्स या फिर हथौड़े और ये जो कुल्हाड़ी ये सब चीज़ें बना रहे होते हैं तो इनको कैसे फिट करा जाता है वो आप देखिए। तो दोस्तों ये लकड़ी लेते हैं हम, पहले लोहा लेते हैं इस तरीके का। अब इसको और इस लकड़ी को अगर हमें फिट करना है तो इसमें क्या करते हैं, लोहे को पहले गर्म कर देते हैं। जब लोहे को गर्म कर देते हैं तो ये जो इसकी रिंग है, ये जो गोला है जिसके अंदर ये डंडा जाएगा, ये जो है थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, मतलब इसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और उसके बाद फिर इस डंडे को इसके अंदर रख दिया जाता है, फिर जब लोहा ठंडा होता है तो ये वापस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मतलब पहले जो बड़ा था वो वापस छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ये डंडा इसके अंदर फिक्स हो जाता है। ये प्रॉपर्टी जो है इसमें हम हीट को मतलब जो गर्म गर्म करते हैं हम लोहे को और जिसकी वजह से वो एक्सपैंड होता है या फिर उसका साइज़ बढ़ जाता है, इसको हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसकी वजह से आप चेंजेस कर पाते हैं। तो कैसे काम कैसे करता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो दोस्तों जब भी आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो फिर उसके पार्टिकल्स जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, मतलब दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, उसको फिर हम जब भी ऐसा होता है तब हम बोलते हैं कि एक्सपेंशन हुआ है। और जब भी आप किसी चीज़ का टेम्परेचर कम करते हैं मतलब ठंडा करते हैं तो फिर उसके पार्टिकल्स जो है वो पास पास आ जाते हैं, और इस जब ऐसा होता है तब हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। सबसे आसान तरीका इसको समझने के लिए दोस्तों पानी है। पानी को अगर आप गर्म करेंगे तो फिर उसके जो पार्टिकल्स हैं ये सारे पार्टिकल्स जो है ये दूर दूर चल जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे दूर चले गए, तो ये एक्सपेंशन हो गया, ये ज़्यादा एरिया में आ गए। उसके बाद लेकिन अगर आप पानी को देखेंगे, पानी को ही अगर आप ठंडा कर देते हैं तो इसके सारे पार्टिकल्स जो है वो पास पास आ जाते हैं और ये बर्फ़ में बदल जाता है,
जब ये बर्फ में बदल जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको। तो जब ठंडा करा तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब गर्म करा तो एक्सपेंशन हुआ। इस तरीके से ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। तो दोस्तों अब समरी की तरफ मूव करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर में हमने सबसे पहली चीज़ जो देखी वो देखी कि रिवर्सिबल चेंज होता क्या है, जिसमें हम इनिशियल सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस से हम स्टार्ट करते हैं वो हमें वापस मिल जाए तो वो रिवर्सिबल चेंज है। जिस चेंज के अंदर हमें पहले वाला सब्सटेंस नहीं मिले तो उसको हम इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। तीसरी चीज़ हमने देखी कि फिज़िकल चेंज क्या होता है, जब फिज़िकल फॉर्म में चेंज होता है, जिस तरीके से दिखता है वो सब्सटेंस उसमें चेंज होता है, पर उसके केमिकल आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होता है। और केमिकल चेंज तब हम बोलते हैं जब उसकी केमिकल आइडेंटिटी के अंदर भी चेंज हो जाता है। और फिर हमने दो चीज़ें और देखी कि और कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं, या तो हम दो चीज़ों को मिक्स करके भी चेंज ला सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था दूध में जब हम थोड़ा सा दही बनाते हैं तो कैसे चेंजेस हो जाते हैं, केमिकल चेंजेस। और फिर उसके बाद एक चीज़ हमने देखी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पे कैसे हम चेंजेस ला पाते हैं। तो अब एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो सवाल इन्होंने पूछा है वो ये है कि अगर कहीं पे पानी भरा है तो आप क्या करते हैं, अपनी पैंट को फोल्ड कर लेते हैं, तो क्या ये चेंज रिवर्सिबल है? तो दोस्तों जब आप पानी से बाहर निकल जाते हैं वापस, जो सूखी जगह पे पहुंच जाते हैं, तो आप पैंट को वापस नीचे फोल्ड कर लेते हैं। तो फिर आपने जब वो चेंज आपने जो करा, जिससे कि आपने फोल्ड करा था, वो वापस आपने वापस भी चेंज कर दिया, तो ये क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ। अगला जो सवाल है वो है यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। अब जब आपने अपना खिलौना नीचे गिरा दिया और वो टूट गया, तो फिर क्या ये आप वापस उसको जोड़ पाते हैं? उसको आप वापस उस फॉर्म में नहीं जोड़ पाते हैं। आप उसको हो सकता है फेविक्विक या कुछ यूज़ कर ले, पर लेकिन फिर भी आप देखेंगे थोड़ी सी दरार या कुछ रह जाती है, तो पूरी तरीके से रिवर्स नहीं कर पाया आप उस चीज़ को, तो ये चेंज रिवर्सिबल नहीं है। अगला जो सवाल है वो है सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। तो इन्होंने कुछ चेंजेस लिखे हैं कॉलम के अंदर, और हम दूसरे कॉलम में हम ये बताएंगे कि ये चेंजेस रिवर्सिबल है या नहीं है, क्या ये वापस बदले जा सकते हैं या नहीं बदले जा सकते। सॉइंग अ पीस ऑफ वुड, अगर आप एक लकड़ी के टुकड़े को अगर आप काट देते हैं एक्स से, तो क्या उसको वापस कन्वर्ट करा जा सकता है? नहीं, तो ये चेंज क्या हो गया, नॉट रिवर्सिबल। अगर आपकी बर्फ़ की कोई आपके पास चीज़ है और अगर वो पिघल जाती है, तो क्या आप उसको वापस बर्फ़ में कन्वर्ट कर सकते हैं ठंडा करके? बिल्कुल हाँ, तो इसलिए हम इसको रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे, तो इसका आंसर येस हुआ। फिर ये बोलते हैं डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, पानी, अगर आप चीनी को पानी में मिलाएंगे तो क्या आप वापस दोनों को अलग अलग कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, हम ये कर सकते हैं, ये डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस होता है। इसके लिए डिस्टिलेशन समझाने के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जो कि हम अपलोड करेंगे हमारे चैनल पे। द कुकिंग ऑफ फूड, अगर आप खाना पका लेते हैं तो क्या उससे वापस रिवर्स करा जा सकता है? नहीं, क्योंकि आप गर्म करके केमिकल चेंज कर देते हैं इस प्रोसेस के अंदर। खाने को गर्म करते हैं जब हम पकाते हैं तो केमिकल चेंज हो जाता है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब मैंगो, राइपनिंग ऑफ मैंगो, मतलब अगर आपका आम जो है वो पक गया है, तो क्या आप उसको वापस कैरी के अंदर या वापस उसको रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। एक बार अगर हो गया है तो उसमें केमिकल चेंज हो गया है, वो मैंगो बन चुका है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपका दूध जो है वो खट्टा हो जाता है, तो क्या आप उसको वापस ठीक कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, आपको फेंकना ही पड़ेगा, वो दूध अब वापस रिवर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि केमिकल चेंज हो गया उसके अंदर। अगला जो सवाल है वो ये है अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज? अब दोस्तों इसमें आपको ये देखना है कि अगर आपने पेंसिल से बनाया है तो फिर वो चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कलर्स या फिर पेन यूज़ कर लिया है तो फिर उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। अगला जो सवाल है वो है गिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से चेंजेस जो रिवर्स करे जा सकते हैं। जब आपने देखा था कि पानी को अगर आप बर्फ़ में कन्वर्ट कर देते हैं तो बर्फ़ से आप वापस पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। हमने बलून का एग्जांपल भी देखा था कि आपने जब बलून में हवा भरी और आप अगर उसको छोड़ देंगे तो बलून से हवा वापस निकल जाएगी, तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज हो गया। अब चेंजेस दैट कांट बी रिवर्स्ड, तो ये क्या होता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अगर दूध से दही आपने बना दिया है तो फिर आप वापस उससे दूध नहीं बना सकते, ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता है। उसी तरीके से हमने देखा था आम का एग्जांपल, अगर आम पक गया है आपका, मतलब राइप हो गया है, तो आप फिर वापस
उसको पिछले वाले फॉर्म में या कैरी के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों वो ये है, अ थिक कोटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन अ फ्रैक्चर्ड बोन, इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज, कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स्ड। आपने देखा होगा जब किसी के हाथ या पैर पे फ्रैक्चर हो जाता है तो एक वाइट कलर का पट्टा बांध दिया जाता है, वो पट्टा जो है पीओपी या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, ठीक है। तो इसको जब हम सुखा जब प्लास्टर ऑफ पेरिस वो सूख जाता है तो फिर वो हार्ड बन जाता है, जिससे कि आपका जो बोन जो टूटी है जो हड्डी वो हिले नहीं ज़्यादा। तो क्या ये पीओपी में जो चेंज हुआ है वो रिवर्स करा जा सकता है? जी नहीं दोस्तों, ये केमिकल चेंज है, ये रिवर्स नहीं किया जा सकता है। अगला जो सवाल है वो ये है कि सीमेंट, आपने देखा होगा घर जब बन रहे होते हैं तो सीमेंट बाहर नहीं छोड़ते हैं कभी भी, क्योंकि अगर आप बारिश आ जाती है और सीमेंट भीग जाती है तो फिर हम उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और ये चेंजेस जो है वो रिवर्स नहीं होते हैं और वो सीमेंट यूज़फुल नहीं रह जाती है, काम की नहीं रह जाती है फिर। तो दोस्तों आप और भी अगर चैप्टर्स को समझना चाहते हैं सारे के सारे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम सारे के सारे चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे चैनल के अंदर। अगर आपका कोई भी सवाल है इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई और चैप्टर से रिलेटेड तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम उसको सॉल्व जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।